आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई रेसिपी, और जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है फ्रैंकी। फ्रैंकी के मसाले के लिए हमने पटेटो बॉईल करके पील करके रख दिया है। पत्ता गोभी ले ली है हमने, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ले ली है हमने, पपैया जो है वो रॉ पपैया ले लिया है, और कुकुम्बर जो है उसको ग्रेट करके रख दिया। मसाले जो हमको लगेंगे वो है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर लगेगा हमको, और कोरिएंडर पाउडर लगेगा, जीरा लगेगा, राई लगेगी, नमक लगेगा, और जीरा जो रोस्टेड है उसका पाउडर लगेगा। जो फ्रैंकी हम रोस्ट करेंगे उसको, उसके लिए हमें थोड़ा सा बटर भी लगेगा, थोड़ा मसाले में हम गरम मसाला भी यूज़ करेंगे। जो आलू का मसाला हम बनाने वाले हैं उसमें हम ग्रीन चिली और जिंजर, थोड़ा सा कोरिएंडर ले लिया हमने फ्रेश, जिसका हम गार्निश करेंगे ये मसाले को। जो फ्रैंकी की रोटी है उसके ऊपर हम जो सॉसेस यूज़ कर रहे हैं वो है चिली विनेगर सॉस, और हमने टमाटो चिली सॉस ले लिया है, और ये घर की बनी हुई चटनी है जिसके साथ हम उसे सर्व करेंगे। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं मैदे की रोटी का। सो गाइस, हमने मैदा और आटा जो है वो इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है, उसे छान करके ले लेंगे ताकि कोई लम्प्स नहीं रह जाए उसमें से। और ये जो हमने लिया था तो हमने 3 टेबल स्पून हमने मैदा लिया और 3 टेबल स्पून हमने व्हीट फ्लोर यानी आटा ले लिया है। ये जो आटा हमने लिया मिक्स करके, उसी आटे में अब हम 1 टीस्पून ऑयल डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, आप एज पर टेस्ट लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और इसे रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसी पानी से हम डो नीड कर देंगे। हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके 15 टू 20 मिनट सिर्फ उसे कवर करके रख देंगे। सो गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रैंकी का मसाला। तो हमने 2 टीस्पून हमने चाट मसाला ले लिया है, उसमें डाल रहे हैं हम धनिया जीरा पाउडर। तो हमने जीरा रोस्टेड जो है उसका पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, एंड 1/2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया। 1 टीस्पून हम इसमें चिली पाउडर यूज़ करेंगे, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, एकदम थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, पिंच ऑफ, हल्की सी हम हींग पाउडर डालेंगे, और ये हमारा मसाला जो है वो रेडी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, पटेटो का मसाला बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमने पैन गरम कर दिया, उसमें ऑयल ले रहे हैं। तो 2 टीस्पून जो है हमने उसमें ऑयल ले लिया, ऐड कर रहे हैं हम जीरा, अब ऐड कर रहे हैं हम इसमें चिली जिंजर, सो चिली जिंजर हमारा रेडी है। अब हम इसमें पटेटो ऐड कर रहे हैं, मैश्ड पटेटो जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो इस मसाले को हमने मिक्स कर दिया, इसमें हम डाल रहे हैं अब थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का सा हम रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला, तो 2 टीस्पून हमने जो फ्रैंकी मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने धनिया पत्ती डाल करके मिक्स कर दिया, आपने देखा हमने ऑलरेडी उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। सो गाइज, ये मैदे की जो डो नीड की थी उससे हमने पेड़ा बना करके उसे फ्लैट रोल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, चपाती लाइक। इसको हम हाफ अभी कुक करेंगे और हाफ इसे हम जब असेंबल करेंगे तब कुक करेंगे। तो ये साइज़ में हमें काफ़ी बड़ा चाहिए, बिकॉज़ हम फिलिंग जो है उसकी करने वाले हैं। सो ये हमारा जो रोल का बेस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है।
सो गाइज ये फ़िलहाल जो हमने हाफ कुक रखा है वो उतना ही हम करके निकाल देंगे और इसे असेंबल करते टाइम हम बहुत ही अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। बनाया था, अब उसे हम पैटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑयल जो है हमने पैन में ग्रीस कर दिया है। देख रहे हैं कि जो स्टफिंग है वो हमारी एकदम रेडी हो रही है, ब्राउन क्रिस्पी लेयर दोनों तरफ से हो जाएगा एंड वो रेडी है स्टफ करने के लिए। सो गाइस रोटी जो हमने हाफ कुक रखी थी उसको अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो हमने अपना तवा ले लिया है और वॉक पे हम ये ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, हल्का सा इस पर हम बटर भी डाल देंगे। सो गाइज अब हम इसे असेंबल करने जा रहे हैं। तो हमने 2 से 3 ड्रॉप तवे पे ऑयल डाल दिया। सो ऑयल जो है वो हमारा गरम आ गया है, अब हम उसमें थोड़ी सी कैबेज डाल रहे हैं, कैप्सिकम, कुकुम्बर और पपाया डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे हम हल्का सा सॉल्ट, फ्रैंकी मसाला जो हमने बनाया था, और इसको जो है हम अच्छे से रोस्ट कर देंगे। सो गाइस चलिए अब हम असेंबल करने के लिए रेडी है। तो थोड़ा सा हम चिली टोमेटो सॉस इस पे ऐड कर रहे हैं। अब हम इस पे ग्रीन चिली सॉस जो है हमारा वो ऐड कर देंगे। जो पैटी हमने बनाई थी वो हम सेट कर देंगे इसके ऊपर। अब हम डालेंगे इस पे हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमने सॉर्ट कर दी थी। सो गाइस हमारी जो फ्रैंकी है वो एकदम रेडी हो गई है। सो गाइस हमारी अमेजिंग सी जो फ्रैंकी है वो एकदम रेडी हो गई है। हमने उसे सर्व कर दिया है ग्रीन चटनी, घर की बनी हुई जो है, और चिली सॉस एंड फ्रूट्स के साथ। तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए ताकि हम आपके लिए और नई रेसिपीज़ ला सकें। एंजॉय।